संसद टीवी की खास सीरीज 75 बरस 75 मुकाम में बात करेंगे हरित क्रांति की। 1943 में बंगाल में आए अकाल में करीब 30 लाख लोग भूख से मर चुके थे। इसका असर देश की आजादी के बाद तक पड़ा। हालांकि सरकार ने कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान तो दिया, पर जनसंख्या खाद्य उत्पादन की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए उपज बढ़ाना पहली प्राथमिकता बन गया था। इसी पहल का नतीजा थी हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, जो 1967 से 1977 के बीच अवतरित हुई। इसके प्रणेता थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और भारत के डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का मकसद भूख संकट को दूर करना, ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि को प्रोत्साहित करना, आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास करना, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों को रोजगार देना और मजबूत तथा बेहतर पौध तैयार करना था। इसके तहत भारतीय कृषि को आधुनिक तौर तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी वाले बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के मार्फत एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित किया गया था। हरित क्रांति का फोकस गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्के पर था, जिसके उन्नत बीज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तैयार किए थे। हालांकि लाभ मोटे तौर पर गेहूं को मिला था। 1978-79 में 131 मिलियन टन का अनाज उत्पादन कर भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित हुआ था। खाद्यान्नों का आयात कम हुआ था, आत्मनिर्भरता बढ़ी थी, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ी थी, किसानों की आय बढ़ी थी। हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और पंपिंग सेट जैसी मशीनों की मांग पैदा की थी। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों की मांग में भी काफी वृद्धि हुई थी। साथ ही ग्रामीण चंबल की मांग में बड़ी वृद्धि हुई थी। ये हरित क्रांति की शानदार कामयाबी थी, जिसने भारत को दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में स्थान दिलाया था और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को सफलतापूर्वक साधा था।